की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन पर्व पर फिलखाना स्थित वैभव लक्ष्मी माता मंदिर में शुक्रवार को खजाना पाने के लिए सुबह से ही भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान करीब आधा किलोमीटर महिला भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। जय माता दी के जयकारों के साथ भक्तों के मन में मां के दर्शन की अभिलाषा साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। आपको बताते चले कि कई वर्षों से इस मंदिर में भक्त दूर दूर से आकर माता रानी के दर्शन प्राप्त करते हैं। वहीं नवरात्रि के शुक्रवार को इस मंदिर में भक्तों को खजाना बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन इस मंदिर में जो भी भक्त इस मंदिर से खजाना प्राप्त करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस खजाने को भक्त अपने घर में सुरक्षित जगह पर रख लेते हैं। यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। हर तरफ महिलाएं और पुरुष यहाँ दर्शनों के लिए खजाना पाते हैं। मंदिर के महंत अनूप कुमार ने बताया कि कई वर्षों से ऐसी प्रथा चली आ रही है, माता वैभव लक्ष्मी मंदिर में यहाँ नवरात्रि के शुक्रवार को भक्तों को खजाना बांटा जाता है। दूर दूर से आए भक्त लाइन में लगकर माता के दर्शन कर खजाना प्राप्त किया करते हैं। बताया कि ये खजाना काफी महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए भी, क्योंकि इसे घर पर रखने से बरकत आती है। साथ ही इस बार स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए झोले का प्रयोग भी किया गया है। ये माता वैभव लक्ष्मी मंदिर है और उत्तर प्रदेश का ये सबसे पहला मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि सन 2000 में माता ने सपने में दर्शन दिए थे माता का यहाँ स्थापना करेगी। ये मंदिर सबसे पहले राधा कृष्ण के नाम से मशहूर था। सन 1894 का ये मंदिर बना हुआ है। हमारे बाबा पर बाबा ने ये मंदिर बनवाया था। जब से माता वैभव लक्ष्मी ने की स्थापना यहाँ कराई गई, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आज ये इतना लोकप्रिय वैभव लक्ष्मी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। हम लोग अपने घरेलू पूजन के लिए लाए थे। आज माता के दरबार में माता ने फिर सपने में दर्शन दिया कि आप मैया का प्रसाद स्वरूप यह खजाना आप सबको बांटें। शुरू में बांटा, 1000-2000 आदमी ले गए, उनको खूब फलीभूत हुआ। आज 50,000 की तादाद में भक्त यहाँ से खजाना ले जा रहा है। कानपुर नगर छोड़ उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर तक के, बिहार तक के लोग, पानीपत तक के लोग आज लोग आते हैं, अपनी आईडी दिखाते हैं। टाटा जमशेदपुर से लोग आए हुए हैं, वो दिखाते हैं। लखनऊ, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, इनकी हम वो देखते हैं कि ये लोग अपार एक साथ ट्रेन में 10-10 लोग, 20-20 लोग बैठ के आते हैं। मगर आज यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे ये कैरी बैग यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप लोग झोले इस्तेमाल करें, मंदिर जावें, प्रसाद चढ़ावें तो इस तरह के झोले ले जाएं। और हमारे बीच में समाज सेविका किरण निषाद जी भी बैठी हैं, इन ये गंगा जी पे विशेष कार्य कर रही, तो इनको भी बुला के मैंने यहाँ से सम्मानित किया है कि आप इससे ऐसे कार्य करती रहें, समाज में उत्थान होगा, बढ़िया हो। इस प्रकार के सब कैरी बैग बंटवाए जा रहे हैं कि आप लोग घर से निकलें, प्रधानमंत्री को और देश के हित के लिए आप काम करें। समाज में हम आप जब जागरूक होंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा। मैं किरण निषाद हूँ, मैं यहाँ मंदिर में पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा माँ वैभव लक्ष्मी के मंदिर में आने से। और मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ है और लोग बहुत धर्म के प्रति जागरूक होने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उपदेशों पर जागरूक हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक मैं यहाँ के मुझे खुशी हुई है देखने में कि लोग स्वच्छता के प्रति मंदिर ही नहीं हर जगह भी जागरूक हो रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है सबका। ये यहाँ ये खजानों का वितरण हो रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि ये खजाना और वैभव सबकी ज़िंदगी में बना रहे और धर्म के प्रति और स्वच्छता के प्रति और देश के लिए इसी तरह लोगों को सब लोग जागरूक करते रहे। मैंने महेंद्र जी को देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।